जन्मदाता। जन्मदाता का अर्थ होता है जन्म देने वाला। कहते हैं परमात्मा हर जगह नहीं हो सकते, इसीलिए उन्होंने हमें माता पिता दिए हैं जो हमें इस संसार से रूबरू करवाते हैं, हर अच्छे बुरे की पहचान करवाते हैं, जो हमारे लिए अपना जीवन कुर्बान करने से कभी पीछे नहीं हटते, जीवन की चुनौतियों से लड़ने के लिए हमें तैयार करते हैं। तो आइए इस वार्तालाप द्वारा हम पाठ 13 मेरे जन्मदाता का अध्ययन करते हैं। क्या तुम अपने माता पिता के बारे में नहीं जानते? क्यों नहीं जानता, परंतु आप उनके बारे में विस्तार से बताइए। अच्छा, तो फिर ध्यान से सुनो। हमारे माता पिता ही हमारे जन्मदाता है। इसका मतलब है हमें जन्म देने वाले। तुमने बिल्कुल ठीक समझा। क्या तुम जानते हो हमारे माता पिता हमारे पालन पोषण के लिए कितनी मुसीबतों और परेशानियों का सामना करते हैं? वह कैसे दीदी? जब भी कोई बालक इस संसार में जन्म लेता है, वह बहुत कोमल और दुनिया की बातों से अनजान होता है। अच्छा, तो वह अपने विचार कैसे प्रकट करता है? खेलने से बालक को सिर्फ हंसना और रोना ही तो आता है। इसी तरह वह अपनी हंसी और परेशानियों का को जाहिर करता है। उसकी यह भाषा उसकी माँ ही समझ पाती है, क्योंकि उसने उस बालक को जन्म दिया है। अच्छा दीदी, क्या सभी बच्चे ऐसे ही होते हैं? क्या सभी बच्चों को उनकी माँ ही समझती है? हाँ, कहते हैं कि जब बालक को चोट लगती है तब उनकी माँ को भी कष्ट होता है। जब वो चलने की कोशिश करता है तब उसके पिता उसे उंगली का सहारा देकर चलना सिखाते हैं। जब बच्चा छोटे छोटे शब्दों को तुतला कर बोलता है तब उसकी माँ उसे शब्दों का ज्ञान कराती है। हाँ, मैं जब कोई भी वाक्य गलत बोलता हूँ तो माँ मेरे को मेरी गलती का बोध कराती हैं और उसे ठीक करवाती हैं। क्या तुम जानते हो कि पिताजी हमारे सभी जरूरतों का ध्यान रखते हैं? वह सुबह से शाम काम करते हैं और पैसा कमा कर लाते हैं। अच्छा, मैं समझ गया। यदि हमारे पिताजी दिन भर मेहनत ना करें, पैसे ना कमाएं, तो हमारी जरूरतें पूरी ना हों। बिल्कुल ठीक समझे। इसी तरह हमारी माँ हमारे लिए खाना बनाती है, हमें सुंदर बनाती है, हमें पढ़ाती है, हमें समय से खाना खिलाती है, फल आदि। हाँ, जब मैं बीमार होता हूँ तो माँ ही मेरे को डॉक्टर के पास ले जाती है। पिताजी तुम्हें समय समय पर घुमाने ले जाते हैं, तुम्हारे जन्मदिन पर तुम्हारा मनपसंद तोहफा भी दिलाते हैं। इसका मतलब हमारे माता पिता हमारे लिए सब कुछ करते हैं। इसका मतलब हमारे माता पिता हमारे लिए सब कुछ करते हैं। हमारे माता पिता हमारे लिए सब कुछ करते हैं। हमें जीवन का अर्थ समझाते हैं। हमें आने वाले जीवन में आने वाले कष्टों का सामना करना सिखाते हैं। पर कभी कभी हमें सुधारने के लिए वह कठोर भी बन जाते हैं। आप ठीक कहती हैं दीदी, माता पिता हमारे लिए पूजनीय हैं और हमें उनका सम्मान करना चाहिए। तुम तो
बहुत समझदार हो गए हो। अब तुम अपने अध्यापिका को अपने माता पिता के बारे में सब कुछ ठीक से बता पाओगे। हाँ दीदी, आओ चले। मेरी माँ है सबसे प्यारी, दुनिया से लगती है न्यारी, प्रेम से मुझको गले लगाती, अच्छे बुरे का ज्ञान कराती। पापा मेरे बड़े निराले, हरदम हिम्मत रखने वाले, दिन भर करते काम ही काम, नहीं करते बिल्कुल आराम। इस वार्तालाप का उद्देश्य है अपने जन्मदाता का सम्मान करना। हमारे लिए किए गए उनके बलिदान का हमें आदर करना चाहिए। हमें ऐसे कर्म करने चाहिए जिससे उनका सर गर्व से ऊंचा हो। धन्यवाद बच्चों।